कैन वी से के एथिज्म की बहुत बड़ी वजह होपलेसनेस? नहीं, एथिज्म की बिल्कुल साइकोलॉजिकल वजह होपलेसनेस नहीं है, एथिज्म की वजह पर्पसलेसनेस है। कुछ लोग अगर मायूस होके एथियस्ट हो जाएं कहीं जी के मायूस होके वो फिर होप की तरफ कैसे जा रहा है? होप तो इधर मिलती है ना, एथिज्म में तो होप ही नहीं है, मर गए तो अलग करके कबूतर की तरह नहीं, पड़ेंगे। देख, होपलेसनेस यानी मायूसी, एक बंदा मिसाल के तौर पे उसके साथ अगर साइकोलॉजिकली कोई हादसा हो जाता है, लेट्स से, एंड ही कांट डाइजेस्ट इट, यू नो, हाँ, ही वो कांट होपलेस नहीं है, वो इंटरप्रेट गुस्सा इट। है। हाँ ओके ना, होपलेस होता है कि कुछ भी नहीं होगा मरने के बाद। ठीक सही सही, है, ठीक बिल्कुल है, ठीक, बिल्कुल ठीक, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं सही, होप में ही नहीं। बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो ठीक है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर तो बंगड़ा डालें आप, तो आपको डिप्रेशन की बात है, जो मर्जी करें, खुली दुनिया है आपके सही पास। सही सही। एथिज्म में और इस्लाम में फर्क ये है कि मुसलमान कहते हैं कि सबसे ज्यादा दोजख में मुसलमान जाएंगे। तो सही ये सोचें, ये वाइट डीन है जो कहता है कि बेटा दोजख तुम्हारे, और इसलिए मुसलमान को ना हमेशा ये डर लगा रहता है कि मैंने ज्यादा काम करने हैं, मुझे अल्लाह ताला के रहम की भी उम्मीद है मगर अपने गुनाह का भी डर है, ये दोनों चीजें इकट्ठी चलते हैं। अब एथिज्म पता ही कहता है कि और अल्लाह तो अल्लाह है ही नहीं, तो फिर इतने से सवाल पूछे मुझसे तो फिर क्यों करूं मैं कुछ? वाई शुड आई डू एनीथिंग गुड इन द प्लैनेट जब कुछ होना ही नहीं है बाद में? तो ये होपलेसनेस की पीक है। तो होपलेस लोग अगर एथिज्म में जा रहे हैं तो वो ये इसकी साइकोलॉजिकल सेंस समझ नहीं आती ओके, कि तुम और ज्यादा होपलेस। पर्पसलेसनेस, हाँ ना, होप ही खत्म, पर्पसलेसनेस है, पर्पस से तो होप आती है ना। या ठीक है, सो इफ आई फाई से कि सर कल से आपने दुनिया में कोई काम नहीं करना, तो सही, आप बिल्कुल होपलेसनेस की अथाह गहराइयों में चले जाएंगे कि यार कुछ भी नहीं करना तो फायदा क्या? समझ, एथिज्म तो बेस फलसफा की ग्राइंड स्टोन ही हटा देता ना कि कुछ भी नहीं होगा मरने के बाद, ओके तो ओके मतलब कोई दरख्त बन के दोबारा उगोगे या कुछ चिड़िया बन जाओगे या राइट व्हाटएवर द हेल यू बनाया।